नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर हमारी क्लासिकल एक्यूप्रेशर की ट्रेनिंग सीरीज में, जिसमें दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं अपने पार्ट नंबर 361 के बारे में। और जिस पॉइंट की दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं वो पॉइंट है हमारा किडनी मेरिडियन का 19 नंबर यानी कि 19 नंबर पॉइंट। तो दोस्तों पहले इसकी लोकेशन जानते हैं, फिर इसके बेनिफिट के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम बॉडी का एक डायग्राम बनाएंगे जिससे कि हमें लोकेशन को देखने में आसानी हो, ठीक है। उसके बाद में ये हमारा दोस्तों नेवल पॉइंट है। इस नेवल पॉइंट से दोस्तों ये हमारा सीवी मेरिडियन होता है, ठीक है। कंसेप्शन वेसल्स का इन साइड है ये, ठीक है। इन साइड यानी कि सामने वाली साइड, ठीक है। उसके बाद में इससे आधा कुंभ की दूरी पर हमने आपको K16 पॉइंट बताया था, K16, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों इससे चार कुन ऊपर की तरफ, चार कुन अगर ऊपर चलेंगे आप या तो K16 से चलिए यहाँ पे चलिए, अगर यहाँ से चलेंगे तो डायरेक्ट चार कुन जैसे आपका यहाँ पे हो गया मान लो, ठीक है। ये हो गया आपका चार कुन, ठीक है। या फिर अगर यहाँ से आप चार कुन चलेंगे तो आधा आधा कुन इस तरफ राइट और लेफ्ट चलना पड़ेगा। ये हो गया पॉइंट आपका दोस्तों, ये कौन सा पॉइंट हो गया K19, ठीक है। ये हो गया K19 पॉइंट। अब बात करते हैं दोस्तों इसके बेनिफिट के बारे में, इसके क्या क्या बेनिफिट है, क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या रोग, क्या क्या समस्याएं इसे ठीक होती है वो जान लेते हैं, ठीक है। नंबर वन दोस्तों, अगर दोस्तों कभी भी किसी को कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो तो कॉन्स्टिपेशन में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, ठीक है, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन नंबर दो, अगर किसी को दोस्तों वॉमिटिंग की प्रॉब्लम हो तो वॉमिट में आपकी दोस्तों बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। उसके बाद में अगर किसी को गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम है उस गैस्ट्रिक में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, किसी को गैस वगैरह की बनती है, ठीक है। तो मेनली आप देख रहे हो डाइजेशन से रिलेटेड पॉइंट है ये वाला। तो किसी को अगर कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो, वॉमिटिंग हो, गैस्ट्रिक हो, ऐसी कोई भी समस्या हो किसी को, तो उसके लिए आप इस पॉइंट से हेल्प ले सकते हैं। तो इसे आपको ट्रीटमेंट करना है, कैसे करेंगे, K19 जो पॉइंट है इस पॉइंट को आप हाथ के अंगूठे से भी प्रेस कर सकते हैं, इस तरह की जबरजीमी से भी प्रेस कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि यहाँ पे ऊर्जा का सर्कुलेशन होगा, एनर्जी का सर्कुलेशन होगा और ये उस काम में जुड़ जाएगी। जहां जहां इसका बेनिफिट हो सारे आपको बेनिफिट देती चली जाएगी। मेन जो आप इन रोगों के लिए काम कर रहे हो, जो हमने देखा है अपने अनुभव में, इनको तो ठीक करेगी और भी बहुत सारे आपको बेनिफिट देगी। तो आपको बिल्कुल भी चूकना नहीं है, पॉइंट की लोकेशन को अच्छे से देखना है, पॉइंट को आप आधा से एक मिनट के लिए आपको ट्रीटमेंट करना है, हर एक घंटे में, दो घंटे में, तीन घंटे में, या जैसा आपको सूटेबल लगे, दिन में एक बार या जितनी बार आप चाहे ट्रीटमेंट ले सकते हैं। कम से कम एक घंटे का गैप रखें, प्रेशर उतना दें पॉइंट पे जितना सामने वाला बर्दाश्त कर पाए, इस तरह से ट्रीटमेंट करना है आपको, तभी सारे आपको बेनिफिट मिलेंगे, ठीक है। अब दिन में आपने ट्रीटमेंट कर लिया, उसके बाद में क्या करेंगे, इस तरह की स्टार मैग्नेट जैसे हम हर वीडियो में बताते हैं, इस तरह की स्टार मैग्नेट लेंगे और ये आप पॉइंट पर लगा देंगे। अभी शाम को दोनों तरफ आपको लगाएंगे, शाम को रात को आप इसे लगाएंगे, सुबह अर्ली मॉर्निंग आप इसे रिमूव करेंगे। तो इस तरह से दोस्तों आपको ये ट्रीटमेंट करना है। अभी इस पॉइंट को भी आप निकाल के रखेंगे, ये मैग्नेट आपकी रियूज हो जाती है, मैग्नेट को नहीं फेंकना है, पेपर टेप आप फेंक सकते हो। तो इस तरह से दोस्तों आपको ट्रीटमेंट अप्लाई करना है, तो आपको ये बेनिफिट मिलते जाएंगे सारे, ठीक है। दोस्तों जुड़े रहिए, बने रहिए हमारे साथ, फिर मिलते हैं हम नए वीडियो में नए पॉइंट के साथ। तब तक ले दोस्तों नमस्कार।